तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब पानीपत स्काई लार्क से एसडीवीएम स्कूल तक विजय जुलूस निकाला जाएगा और खुली जीप में आकांक्षा सवार है और तमाम जो परिवार के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। सर्वजातीय जनपंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अहलावत हैं और कांग्रेस नेता और उनके साथ साथ आरडब्ल्यूए के प्रधान सूरजभान राठी पहुंचे हैं। तमाम जो राजनीतिक लोग हैं और सामाजिक लोग हैं वो बधाई शुभकामना देने के लिए आकांक्षाओं को पानीपत स्काई लार्क में पहुंचे हैं और विजय जुलूस जो है यहां से अब शुरू हो जाएगा। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो देख सकते हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं। इंडियन नेशनल थांगता चैंपियनशिप 1 से 3 दिसंबर को मणिपुर के इम्फाल में आयोजित हुई, जहाँ पूरे भारत से 28 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 550 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में मेडल में भाग लिया। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस लड़की ने -70 kg में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पूरे हरियाणा पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। पहले तो मैं हमारी बेटी आकांक्षा को दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और हमारे इसके कोच भाई संदीप को भी मुबारक देता हूँ। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बच्चों को अपने खेल में हुनर पैदा किया कि वो आज राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत कर आई है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी इसका सिलेक्शन हुआ है। मैं इस खेल का पानीपत जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार फिर से बता दें कि देखिए कांग्रेस नेता संजय अग्रवाल पहुँचे हैं, आरडब्ल्यूए के प्रधान सूरजभान राठी पहुँचे हैं, सर्वजातीय जनपंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अहलावत मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़े गर्व की बात है कि पानीपत की बेटी ने राष्ट्रीय खेलों में जो पदक जीता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो पार्टिसिपेट किया है, क्वालिफाई किया है, ये पानीपत के लिए गर्व की बात है, इनके परिवार के लिए गर्व की बात है, इनके स्कूल के लिए गर्व की बात है, इनके कोच के लिए गर्व की बात है और इनके रिश्तेदारों सारे पानीपत के सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, देखिए सरकार बल्कि कहीं ना कहीं फेल हो गई है लड़कियों को खेलों में आगे लाने के लिए। ये बच्ची अपने पर्सनल कोच की कोचिंग लेके, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, पर्सनल कोच से कोचिंग लेके इस बच्ची ने गोल्ड मेडल जीता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पानीपत में हमारी बच्चियां अपने परिवार रिश्तेदारों के सहायता से आगे बढ़ रही हैं। सरकार फेल है यहाँ पे, हमारे पूरे पानीपत में एक भी स्टेडियम, एक भी संस्था ऐसी नहीं है सरकार की तरफ से जो बच्चियों के लिए स्पेशल कोच या उनके लिए ऑडिटोरियम या स्टेडियम मेंटेन कर रही हो या रिजर्व रखे हुए हो। तो हम बधाई देते हैं इस बच्ची को, आकांक्षा को और इसके माँ बाप को और पूरे पानीपत वासियों को कि आप लोग भी अपने बच्चियों को आगे लाएं और इनके जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। बड़े बड़े दावे सरकार कर रही है, आप सरकार को फेल बता रहे हैं? सरकार खाली खिलाड़ियों के लिए नहीं, हर पैमाने पे फेल है ये सरकार। सिर्फ दारू बेचने में नंबर 1 पायदान पे चली गई है, ठेकों की जगह शोरूम खोल दिए हैं, पैसा लूटने का काम दोनों जो ज्वाइंट सरकार बनाई हुई जेजेपी बीजेपी वो अपने घर भरने पे लगी हुई है। खेल के मामले में, शिक्षा के मामले में, सुविधाओं के मामले में ये सरकार पूरी तरह फेल है और आने वाले इलेक्शन में जनता इनको धूल चटाएगी। हम इस गुड़िया के सहयोग के लिए तन से, मन से और धन से इसके साथ खड़े हैं। इस गुड़िया ने साबित कर दिया है कि लड़कियों को अगर हम अच्छी परवरिश, अच्छी सुविधाएं देते हैं तो वो किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कमा सकती हैं। ये माना जाता था पहले कि भाई खेलों के क्षेत्र में लड़के ज़्यादा फिजिकली शक्तिशाली होते हैं, लेकिन आज के दौरान जो लड़कियां हैं उन्होंने इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। बेटी को बधाई दी जा रही है, आकांक्षा खुश नज़र आ रही है, आकांक्षा के परिवार के लोग खुश नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों से अपील की वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मणिपुर में गोल्ड मेडल जीतकर आज आकांक्षा पानीपत पहुंची है और पानीपत पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। कुछ ही देर में यहां से जो विजय जुलूस है वो स्कूल में पहुंचेगा, एसडीवीएम स्कूल में भी कार्यक्रम रखा गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब पानीपत स्काई लार्क से एसडीवीएम स्कूल तक विजय जुलूस निकाला जाएगा और खुली जीप में आकांक्षा
सवार है और तमाम जो परिवार के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। सर्व जातीय जनपंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अहलावत हैं और कांग्रेस नेता और उनके साथ साथ RWA के प्रधान सूर्यकांत राठी पहुंचे हैं। तमाम जो राजनीतिक लोग हैं और सामाजिक लोग हैं वो बधाई शुभकामना देने के लिए आकांक्षा को पंचायत सकाई लार्क में पहुंचे हैं और विजय जुलूस जो है यहां से अब शुरू हो जाएगा। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो देख सकते हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं। इंडियन नेशनल थांगता चैंपियनशिप 1 से 3 दिसंबर को मणिपुर के इम्फाल में आयोजित हुई, जहाँ पूरे भारत से 28 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 550 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में मेडल में भाग लिया। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस लड़की ने -70 kg में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पूरे हरियाणा पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। पहले तो मैं हमारी बेटी आकांक्षा को दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और हमारे इसके कोच भाई संदीप को भी मुबारक देता हूँ। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बच्चों को अपने खेल में हुनर पैदा किया कि वो आज राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत कर आई है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी इसका सिलेक्शन हुआ है। मैं इस खेल का पानीपत जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार फिर से बता दें कि देखिए कांग्रेस नेता संजय अग्रवाल पहुँचे हैं, RWA के प्रधान सूर्यकांत राठी पहुँचे हैं, सर्व जातीय जनपंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अहलावत मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़े गर्व की बात है कि पानीपत की बेटी ने राष्ट्रीय खेलों में जो पदक जीता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो पार्टिसिपेट किया है, क्वालिफाई किया है, ये पानीपत के लिए गर्व की बात है, इनके परिवार के लिए गर्व की बात है, इनके स्कूल के लिए गर्व की बात है, इनके कोच के लिए गर्व की बात है और इनके रिश्तेदारों सारे पानीपत के सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, देखिए सरकार बल्कि कहीं ना कहीं फेल हो गई है लड़कियों को खेलों में आगे लाने के लिए। ये बच्ची अपने पर्सनल कोच की कोचिंग लेके, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, पर्सनल कोच से कोचिंग लेके इस बच्ची ने गोल्ड मेडल जीता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पानीपत में हमारी बच्चियां अपने परिवार रिश्तेदारों के सहायता से आगे बढ़ रही हैं। सरकार फेल है यहाँ पे, हमारे पूरे पानीपत में एक भी स्टेडियम एक भी संस्था ऐसी नहीं है सरकार की तरफ से जो बच्चियों के लिए स्पेशल कोच या उनके लिए ऑडिटोरियम या स्टेडियम मेंटेन कर रही हो या रिजर्व रखे हुए हो। तो हम बधाई देते हैं इस बच्ची को, आकांक्षा को और इसके माँ बाप को और पूरे पानीपत वासियों को कि आप लोग भी अपने बच्चियों को आगे लाएं और इनके जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। के लिए बड़े-बड़े दावे सरकार कर रही है, आप सरकार को फेल बता रहे हैं? सरकार खाली खिलाड़ियों के लिए नहीं, हर पैमाने पे फेल है ये सरकार। सिर्फ दारू बेचने में नंबर 1 पायदान पे चली गई है, ठेकों की जगह शोरूम खोल दिए हैं, पैसा लूटने का काम दोनों जो ज्वाइंट सरकार बनाई हुई JJP BJP वो अपने घर भरने पे लगी हुई है। खेल के मामले में, शिक्षा के मामले में, सुविधाओं के मामले में ये सरकार पूरी तरह फेल है और आने वाले इलेक्शन में जनता इनको धूल चटाएगी। हम इस गुड़िया के सहयोग के लिए तन से मन से और धन से इसके साथ खड़े हैं। इस गुड़िया ने साबित कर दिया है कि लड़कियों को अगर हम अच्छी परवरिश अच्छी सुविधाएं देते हैं तो वो किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कमा सकती हैं। ये माना जाता था पहले कि भाई खेलों के क्षेत्र में लड़के ज़्यादा फिजिकली शक्तिशाली होते हैं, लेकिन आज के दौरान जो लड़कियां हैं उन्होंने इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। बेटी को बधाई दी जा रही है, आकांक्षा खुश नज़र आ रही है, आकांक्षा के परिवार के लोग खुश नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों से अपील की वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मणिपुर में गोल्ड मेडल जीतकर आज आकांक्षा पानीपत पहुंची है और पानीपत पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। कुछ ही देर में यहां से जो विजय जुलूस है वो स्कूल में पहुंचेगा, SDVM स्कूल में भी कार्यक्रम रखा गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब पानीपत स्काई लार्क से SDVM स्कूल तक विजय जुलूस निकाला जाएगा और खुली जीप में आकांक्षा सवार है और तमाम जो परिवार के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। सर्व जातीय जनपंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अहलावत हैं और
कांग्रेस नेता और उनके साथ साथ RWA के प्रधान सूर्यकांत राठी पहुंचे हैं। तमाम जो राजनीतिक लोग हैं और सामाजिक लोग हैं वो बधाई शुभकामना देने के लिए आकांक्षा को पंडित सकाई लार्क में पहुंचे हैं और विजय जुलूस जो है यहां से अब शुरू हो जाएगा। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो देख सकते हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं। इंडियन नेशनल थांगता चैंपियनशिप 1 से 3 दिसंबर को मणिपुर के इम्फाल में आयोजित हुई, जहाँ पूरे भारत से 28 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 550 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में मेडल में भाग लिया। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस लड़की ने -70 kg में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पूरे हरियाणा पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। पहले तो मैं हमारी बेटी आकांक्षा को दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे इसके कोच भाई संदीप को भी मुबारक देता हूँ, उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बच्चों को अपने खेल में हुनर पैदा किया कि वो आज राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत कर आई है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इसका सिलेक्शन हुआ है। मैं इस खेल का पानीपत जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार फिर से बता दें कि देखिए कांग्रेस नेता संजय अग्रवाल पहुँचे हैं, RWA के प्रधान सूर्यकांत राठी पहुँचे हैं, सर्व जातीय जन पंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अहलावत मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़े गर्व की बात है कि पानीपत की बेटी ने राष्ट्रीय खेलों में जो पदक जीता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो पार्टिसिपेट किया है, क्वालिफाई किया है, ये पानीपत के लिए गर्व की बात है, इनके परिवार के लिए गर्व की बात है, इनके स्कूल के लिए गर्व की बात है, इनके कोच के लिए गर्व की बात है और इनके रिश्तेदारों सारे पानीपत के सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, देखिए सरकार बल्कि कहीं ना कहीं फेल हो गई है लड़कियों को खेलों में आगे लाने के लिए। ये बच्ची अपने पर्सनल कोच की कोचिंग लेके, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, पर्सनल कोच से कोचिंग लेके इस बच्ची ने गोल्ड मेडल जीता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पानीपत में हमारी बच्चियां अपने परिवार रिश्तेदारों के सहायता से आगे बढ़ रही हैं। सरकार फेल है यहाँ पे, हमारे पूरे पानीपत में एक भी स्टेडियम, एक भी संस्था ऐसी नहीं है सरकार की तरफ से जो बच्चियों के लिए स्पेशल कोच या उनके लिए ऑडिटोरियम या स्टेडियम मेंटेन कर रही हो या रिजर्व रखे हुए हो। तो हम बधाई देते हैं इस बच्ची को, आकांक्षा को और इसके माँ बाप को और पूरे पानीपत वासियों को कि आप लोग भी अपने बच्चियों को आगे लाएं और इनके जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। सरकार खाली खिलाड़ियों के लिए नहीं, हर पैमाने पे फेल है ये सरकार। सिर्फ दारू बेचने में नंबर 1 पायदान पे चली गई है, ठेकों की जगह शोरूम खोल दिए हैं, पैसा लूटने का काम दोनों जो ज्वाइंट सरकार बनाई हुई JJP BJP वो अपने घर भरने पे लगी हुई है। खेल के मामले में, शिक्षा के मामले में, सुविधाओं के मामले में ये सरकार पूरी तरह फेल है और आने वाले इलेक्शन में जनता इनको धूल चटाएगी। हम इस गुड़िया के सहयोग के लिए तन से, मन से और धन से इसके साथ खड़े हैं। इस गुड़िया ने साबित कर दिया है कि लड़कियों को अगर हम अच्छी परवरिश, अच्छी सुविधाएं देते हैं तो वो किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कमा सकती हैं। ये माना जाता था पहले कि भाई खेलों के क्षेत्र में लड़के ज़्यादा फिजिकली शक्तिशाली होते हैं, लेकिन आज के दौरान जो लड़कियां हैं उन्होंने इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। बेटी को बधाई दी जा रही है, आकांक्षा खुश नज़र आ रही है, आकांक्षा के परिवार के लोग खुश नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों से अपील की वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मणिपुर में गोल्ड मेडल जीतकर आज आकांक्षा पानीपत पहुंची है और पानीपत पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। कुछ ही देर में यहां से जो विजय जुलूस है वो स्कूल में पहुंचेगा, SDVM स्कूल में भी कार्यक्रम रखा गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें।